अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम इस्लामियात का दूसरा लेक्चर। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन द पेपर ऑफ इस्लामियात CSS एंड PMS, बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स, और हमने एक ओवरव्यू दिया था सिलेबस का और पास पेपर्स का। तो आज हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक की हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। दिस इज दी प्रैक्टिकली दी फर्स्ट लेक्चर, लेकिन ओवरऑल इस्लामियात का ये दूसरा लेक्चर होगा, और हमारा जो चैनल है इसका ये 97th लेक्चर है। हम जो लेक्चर है उसको सेपरेट करेंगे। बेसिकली दिस इज द लेक्चर ऑन टॉपिक नंबर वन। ये टॉपिक नंबर वन जो है वो इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है। इसमें कंसेप्ट ऑफ इस्लाम, इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ और ये सारे आगे जो टॉपिक्स हैं ये इसी एक पहले आउटलाइन का हिस्सा है। इस आउटलाइन को कहते हैं इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। अब हम बारी बारी इन तमाम आउटलाइंस के ऊपर सेपरेटली वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रो के ऊपर बात करेंगे, और आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कंसेप्ट के ऊपर, उससे बाद में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, यानी हर एक की ऊपर सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड होगा ताकि आपको इसमें सहूलत रहे। दूसरा पॉइंट ये है कि हर एक हेडिंग के ऊपर इसी सीक्वेंस के साथ हम जो मटेरियल है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि इसके बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में भी ओवरव्यू किए, इम्पॉर्टेंस ऑफ दीन के बारे में आया, बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट के बारे में क्वेश्चन आया, तौहीद के बारे में आया, हज के बारे में आया, ज़कात सिस्टम के बारे में आया क्वेश्चन, ज़कात के बारे में आया, इम्पैक्ट के बारे में इसके, और प्रेयर नमाज के बारे में। लेकिन एज सच इंट्रोडक्शन टू इस्लाम इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, यानी ये जो हेडिंग है इससे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा नहीं गया आज तक, और नॉर्मली इसके आने का चांस कम ही है। लेकिन चूंकि ये सिलेबस आउटलाइन का हिस्सा है जिसके ऊपर क्वेश्चन नोट फॉर्म में किसी भी फॉर्म में आ भी सकता है, तो हम बेसिक बात करेंगे इसमें और आपको एक क्वालिटी मटेरियल इसमें देंगे। इस्लाम का मतलब क्या है? सबसे पहला ये है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इस्लाम, एन अरेबिक वर्ड हूज इंटर रिलेटेड मीनिंग्स आर, इस्लाम इज एन अरेबिक वर्ड हूज इंटर रिलेटेड मीनिंग्स आर सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड। अच्छा, इस्लामियात में आपने कोशिश करनी है कि गॉड के वर्ड की बजाय अल्लाह का वर्ड यूज करें, क्योंकि अल्लाह का जो वर्ड है वो इस्लाम में अल्लाह के साथ मखसूस है, और दीगर रिलीजन्स में जो उनके देवी देवता है उनके लिए वो गॉड का वर्ड यूज करते हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है, मेक इट ए हैबिट के गॉड की बजाय अल्लाह का वर्ड यूज करें। तो सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह अलमाइटी, पीस सबमिशन टू द विल ऑफ अलमाइटी, ओबीडियंस टू द कमांड्स ऑफ अल्लाह, कमिटमेंट टू द बिलीफ सिस्टम ऑफ इस्लाम। So Islam means to achieve peace with Almighty, with oneself, with all the creations of Almighty, through wholly submitting oneself to Allah and accepting His guidance. Islam एक सुकून का नाम है। ये सुकून कैसे आता है? जब आप अपने आप को सरेंडर करते हैं अल्लाह के सामने कि अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा, और उसी की कमांड्स हैं, मैं उसी की बात मानता हूँ और उसी से ही खौफ खाता हूँ, और वही मुझे सीधे रास्ते की तरफ गाइड करेगा। ये है मीनिंग ऑफ इस्लाम। इसकी जो वैलिड होली बुक है वो कुरान है। टीचिंग्स ऑफ इस्लाम आर ड्राइव फ्रॉम द होली कुरान विच वाज रिवील्ड अपॉन होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। होली कुरान इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ अल्टरेशंस एंड मॉडिफिकेशंस, अल्लाह इज इट्स गार्डियन। ये है इसी बात जो हमने की कि अल्लाह इसका गार्डियन है, हर किस्म की जो तब्दीली है उससे पाक है। तो ये है सूरह अल हिजर की आयत नंबर 9 है। सूरह अल हिजर
पंद्रहवीं सूरा है और इसकी आयत नंबर 9। इसमें वर्ड 15 जो है ये सूरा का नंबर है कि नहीं, पंद्रहवीं सूरा हिजर और उसकी आयत नंबर 9। वो कहता है श्योरली वी हैव सेंट डाउन कुरान एंड श्योरली वी आर इट्स गार्डियन। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ही इसका गार्डियन है, इट्स अ डिवाइन रिलीजन, इट्स अ डिवाइन दीन। एक और चीज़ का भी आपने ख्याल ये रखना है कि जब आप आयत करीमा का तर्जमा याद करें तो उसको पूरी तरह याद करना है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, ये जो आयत के नंबर हैं और जो सूरा का नंबर है वो भी सही होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक ये की हुई है कि रिलीजन का वर्ड यूज़ किया, आपने इस्लाम के लिए रिलीजन का वर्ड यूज़ नहीं करना, दीन का वर्ड यूज़ करना है, क्योंकि कुरान पाक में दीन का वर्ड इस्लाम के लिए इस्तेमाल हुआ है। इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इट्स ए दीन। और इसी बुनियाद पे आपके टॉपिक का हिस्सा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, यानी दीन डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है। इसी के ऊपर ये आपके सिलेबस आउटलाइन का भी हिस्सा है। इस्लाम इज द ओनली वन दीन और बाकी सारे जो हैं वो रिलीजन हैं। तो आपने इस्लाम के लिए हमेशा दीन का वर्ड यूज करना है। तो नेक्स्ट, इस्लाम इज डिवाइन दीन, अल्लाह हैज बीन, इस्लाम हैज बीन चूजन बाय अलमाइटी फॉर द मैनकाइंड, अल्लाह हैज क्रिएटेड इट ए फेवर अपॉन मैनकाइंड, अल्लाह हैज यूज द टर्म दीन फॉर इस्लाम, इस्लाम इज नॉट रिलीजन, इट्स ए दीन, इट इज दीन, इस्लाम इज परफेक्ट, नो डिफिशेंसी। अच्छा, ये जो बातें मैंने की हैं इन सारों की सपोर्ट के लिए एक कुरान पाक की आयत है सूरह अलमायदा की। सूरह अलमायदा 5 का मतलब यह है कि ये पांचवीं सूरह है और 3 का मतलब यह है कि इसकी आयत नंबर 3। दिस डे आई हैव परफेक्टेड फॉर यू योर दीन एंड कंप्लीटेड माई फेवर अपॉन यू एंड आई एंड हैव अप्रूव्ड फॉर यू इस्लाम एज दीन। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपना एहसान तुम पर पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद किया। द ट्रू दीन विद अल्लाह इज इस्लाम, इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम, अल इमरान सूरा आयत नंबर 19, तीसरी सूरा है अल इमरान। द ट्रू दीन विद अल्लाह इज इस्लाम। तो ये वो आयात हैं जो क्या शो करती हैं कि इस्लाम इज द डिवाइन चॉइस, इस्लाम इज द डिवाइन दीन। अल्लाह ने इस रिलीजन को इंसानियत के लिए चूज किया और जो चीज अल्लाह ने चूज की हो, हाउ कैन दैट बी इम्परफेक्ट, इट इज परफेक्ट। आपने जो बात भी करनी है कोशिश करें उसको सपोर्ट करें कुरान पाक की किसी आयत के साथ, हदीस के साथ, किसी एग्जाम्पल के साथ, या किसी रिकमेंडेड बुक का रेफरेंस देना है जो कि FPSC ने रिकमेंड की है। इस्लाम इज द राइट पाथ, इसके लिए कुरान पाक की दो सूर कुरान पाक की दो सूरतों की दो आयात मैं पेश कर रहा हूँ। सूरह अल अनाम सूरह नंबर 6 है, इसकी आयत नंबर है 153। इंडीड दैट इज माई पाथ परफेक्टली स्ट्रेट, सो फॉलो इट एंड डोंट फॉलो अदर वेज, फॉर दे विल लीड यू अवे फ्राम हिज वे। अल्लाह का रास्ता, अल्लाह के नज़दीक सही रास्ता सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, बाकी सारे रास्ते जो हैं उसके रास्ते नहीं हैं। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3, इसकी आयत नंबर है 85। Whoever seeks a way other than Islam, it will never be accepted from them and in the hereafter they will be among the losers. जो कोई भी इस्लाम के अलावा किसी और रास्ते को इख्तियार करेगा ये उससे कबूल नहीं किया जाएगा और क्यामत के दिन वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। आपने इन सूरा का मेमोराइज करने हैं कि नंबर्स भी, आयत नंबर भी, और सूरा के नाम भी और इनकी ट्रांसलेशन भी। अगर आप आयत नहीं लिख पाते तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन आपने ज़रूर ऐसे कोड करनी है। आयत इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें गलती का चांस हो सकता है,
अराब की गलती या फिर स्पेलिंग की गलती हो सकती है, जो कि जिसमें बहुत एहतियात की जरूरत है। इस्लाम इज कम्प्रीहेंसिव, ये इसमें कोई टाइम एंड स्पेस नहीं है और ये तमाम जमानों के लिए है, जो गुजर गए, जो आने वाले हैं, और तमाम जहान के लिए है। इट्स प्रिंसिपल आर वैलिड फॉर ऑल द पीपल्स एंड ऑल द टाइम्स टू कम। इस्लाम इज यूनिवर्सल एंड इम्यून टू चेंज एंड मॉडिफिकेशन, ये बात हम पहले कर चुके हैं। ये यही बात है कि जब एक चीज का मुहाफिज अल्लाह है तो हाउ कैन दैट बी मॉडिफाइड। ये परफेक्ट डॉक्यूमेंट है, डिवाइन डॉक्यूमेंट है, और इसकी प्रोटेक्शन अल्लाह ताला ने खुद अपने हवाले की हुई है। और एक और बात, कुरान पाक की अगर हम आयात को स्टडी करें, मुख्तलिफ सूरा की आयात को, तो उनसे ये जाहिर होता है कि अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को यही दीन दे के भेजा, दीन इस्लाम। ये इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम नबियों ने इसी दीन की तबलीग की, और ये इसके सबूत में सूरह अशूरा है, 42वीं सूरह है, 13 आयत नंबर 13 है इसकी। ही हैज ऑर्डेंड फॉर यू ऑफ दीन बट ही एंजॉइंड अपॉन नो एंड दैट विच वी हैव रिवील्ड टू यू ओ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड वट वी एंजॉयड अपॉन अब्राहिम एंड मोसेस एंड जेसिस टू एस्टैब्लिश दीन एंड नॉट बी डिवाइडेड देयरिन। Difficult for those who associate others with Allah, यानी कि शिर्क करते हैं, is that to which you invite them. Allah chooses for himself whom he wills and guides to himself whoever turns back to him. Surah Ashura की आयत नंबर 13 और ये 42वीं सूरा है, ये साबित करती है कि अल्लाह ताला ने जो दीन चुना वो तमाम नबियों को भी वही इंस्ट्रक्शन दी और उन नबियों ने भी इसी दीन को प्रीच किया। फिर सूरह आले इमरान 3 सूरह, उसकी आयत नंबर 84 है, से वी बिलीव इन अल्लाह एंड व्हाट वाज रिवील्ड टू अस एंड व्हाट वाज रिवील्ड टू अब्राहम इस्माइल एंड टू इसहाक एंड जैकब एंड हिज डिसेंडेंट्स एंड द टीचिंग्स व्हिच अल्लाह गेव टू मोसेस एंड जेसिस एंड टू अदर प्रॉफिट्स। We make no distinction among any of them and to him do we submit. तमाम नबियों को यही teachings जो हैं वो दी और हम उन पे ईमान लाए। जो mainly religion था वो एक ही था, इस्लाम, क्योंकि सब नबियों ने आके अल्लाह ताला की तौहीद की तबलीग की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया पे ज़हूर के बाद इस्लाम के अंदर अकीदा ख़त्म नबूवत और अकीदा रिसालत और सुन्ना, वो फिर इस्लाम का एक मरकजी पार्ट बन गया। तो लेकिन जो तौहीद का कंसेप्ट था दीन के अंदर, वो वही था जिसकी तबलीग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम नबियों ने की। अगर आप कुरान पाक को स्टडी करें तो उसमें जो मरकजी थाट है, मरकजी जो एम्फेसिस है, वो अकीदा तौहीद के ऊपर ही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। डायलेमा विद द इमेज ऑफ इस्लाम, द वर्ल्ड सीज इस्लाम थ्रू द प्रिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ द मुस्लिम्स हु हैव कलेक्टिवली फेल्ड टू रिप्रेजेंट द ट्रू पिक्चर ऑफ इस्लाम। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे साथ कि हम बहसियत मुसलमान कॉन्शियस नहीं हैं कि हमारे एक्शन से कितनी एक इस्लाम की एक ऐसी पिक्चर जाती है इंटरनेशनली, ग्लोबली, जो कि उसकी सही तस्वीर नहीं है। हमारे एक्शन करस्पॉन्ड नहीं करते इस्लाम की टीचिंग के साथ, और ये जो दुनिया है वो हमारे रिलीजन में तब इंटरेस्ट लेगी जब हमारे एक्शन उनको अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अभी वो ये समझते हैं कि शायद मुसलमान जो है हमारे एक्शंस जो हैं वो इस्लाम की टीचिंग के मुताबिक नहीं है। ये हमारा एक फेलियर है मुस्लिम उम्मा का, मुसलमानों का, कि हम दुनिया को मुतासर करने में नाकाम रहे हैं। और अगर ऐसा है तो फिर ये
बहुत बड़ी डिससर्विस है जो कि हमने अपने दीन के साथ की है। अगर मुसलमान अपने एक्शंस अच्छे हैं, उनके उनकी डीलिंग्स अच्छी हैं, उनका बर्ताव अच्छा है, उनका उसमें सलूक है, तो ये दैट वुड बी ग्रेट सर्विस टू द रिलीजन, टू इस्लाम, कि जब इस्लाम फैला है तो मुसलमानों के अजीम कारनामों की वजह से फैला है। तो एज ए मुस्लिम वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ आवर एक्शंस, वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ आवर डीलिंग्स, सो दैट वी वुड बी एबल टू रिप्रेजेंट द ट्रू पिक्चर ऑफ इस्लाम। कल हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ इस्लाम के बारे में, ये दोनों इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम और कंसेप्ट ऑफ इस्लाम तकरीबन सेम टॉपिक्स हैं, तो कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।